की हर कहानी जो शुरू होती है वो एक बंद कमरे से होती है, है ना। बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। तो सबसे पहला फैक्टर मी होता है, बट ये मी बहुत लंबा नहीं जाता। इट्स ऑल मी, मी कैन नॉट डू एनीथिंग, अकेले कुछ नहीं होता। देन कम सी, सी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर स्टैंड फॉर कनेक्शन एंड कम्युनिटी। चोको मारिए मत सर, आप में से किसी को भी लगता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, सर एक बार हमसे मिलवाइए सर। सर दिशा, दिशा सर, मारने से कुछ नहीं होता सर, मारिए मत। मैं राजेश पांडे जी को इसीलिए और बड़ी इज्जत करता हूँ, उनका बेटा है, अपने बेटों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। कोई बात, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, क्योंकि बेटी आईएएस क्वालिफाई कर चुकी, बेटा एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट। मैंने ऐसे कई सारे पेरेंटों को देखा, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, कूद के गर्दन पकड़ ली बच्चे की। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब प्रेशर। और मान लीजिए बच्चे का नहीं हुआ, और अगर माँ बाप कहते कोई बात नहीं बेटा 10 बार नहीं होगा तो भी तुझे खिलाएंगे, सर उसका बहुत असर पड़ता है। अगर आपके घर का कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो माँ बाप से मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, वो प्रेशर में है उस पर दूसरा प्रेशर मत बनाए। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी निकाला। एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खाकर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में रोना मत। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना